एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब जब आप ही पोस्टर पे हैं जी, और आपके माध्यम से पूरी कहानी कही जा रही है जी। लेकिन यूके में लॉन्ग वे जहां एक फिल्म अब आपके माध्यम से बिकेगी जी। पहली बात, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये देखे, मैं बार बार देख रही हूँ मुड़ के थ्रू आउट द डे, क्योंकि इट फील्स ग्रेट, इट फील्स यू आर डूइंग समथिंग राइट, इट फील्स यू आर मेकिंग द राइट काइंड ऑफ चॉइसेस। इवन दो अगर मतलब जैसे मसाना और हरामखोर अब काफ़ी टाइम हो गया है आए, उससे उसके बाद ट्रिप आया, मिर्ज़ापुर आया, बट वो सब छोटे पर्दे पर था। बड़े पर्दे की जो बात होती है वो बहुत अलग होती है, बहुत ही एक्साइटिंग होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस, इनफैक्ट पिछले हफ्ते तो मैं कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले रही थी एंड एवरीबडी अराउंड मी लाइक श्वेता यू नो क्या हो रहा है, एंड आई एम लाइक यार यू वॉन्ट द फिल्म टू डू वेल, बिकॉज अगर ऐसे डायरेक्टर्स हैं, ऐसे राइटर्स हैं, ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो आप में अपना फेथ डाल रहे हैं, देन यू वॉन्ट गुड टू हैपन, यू वॉन्ट की टिकट आए, लोग देखें, अच्छी लगे, पैसे बनाए फिल्म, तो वो डेफिनेटली मन और इच्छा तो करती है। जिम्मेदारी तो है, लेकिन हैविंग सेड दैट जब मैं शूट कर रही थी तब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। इनफैक्ट एक और मेरा जो वेब पे एक शो आने वाला है तो उसमें भी पोस्टर पे आप देखेंगे, तो उसमें भी जब उसका BTS ले रहे थे हम, तो उसमें जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि श्वेता डू यू फील रिस्पॉन्सिबल कि हाउ द शो विल डू एंड स्टफ, तो तब तक मैंने मेरे दिमाग में आया नहीं था, इवन गॉनकेश के लिए मेरे दिमाग में ये आया नहीं था। अब लेकिन नाउ दैट द पोस्टर इज आउट एंड द ट्रेलर इज आउट, तब डेफिनेटली लगता है कि यार क्या होगा, एंड समवेयर यू डेफिनेटली फील दैट इट इज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु सपोर्ट यू, लाइक द अमेजिंग कास्ट दैट वी हैव, बट यार इट इज ऑन योर शोल्डर्स। आई थिंक ये एक्चुअली एक सबकॉन्शियस थिंग है, बट आई गेट अट्रैक्टेड टू रोल्स एंड कॉन्सेप्ट जो कि ऐसे हों, जो थोड़े हटके हों। जब मैं कोई भी स्टोरी पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या ये देखने में मुझे मज़ा आएगा, या फिर जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हूँ तो आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई फीलिंग्स कि कैसा मुझे फील हो रहा है, क्या मुझे ये किरदार, आई एम आई फॉलिंग इन लव विद कैरेक्टर, आई एम आई हेटिंग द कैरेक्टर, बिकॉज ईदर वे इट वर्क्स। लेकिन कुछ ना कुछ तो वो कैरेक्टर को पढ़ के आपके इमोशन आने चाहिए, अगर आप यू वेरी क्या ठीक है ये ओके है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एंड वही जब मैंने गॉनकेश का सिनॉप्सिस पढ़ा तो आई वॉज सोल्ड ऑन दैट, क्योंकि इतनी प्यारी कहानी थी एंड इतने प्यारे किरदार थे कि आई न्यू कि यार ये तो करना ही करना है। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर मैं कासिम से मिली एंड आई वॉज वेरी श्योर एंड आई कुडंट बी हैप्पियर कि मैंने चूज़ किया कि मैं गॉनकेश करूँगी, बिकॉज कल जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं तो बहुत खुश हो गई। जी जी आई थिंक एवरीबडी यस, ही इनफैक्ट ट्वीटेड ऑल्सो, विकी ने इतना प्यारा लिखा है, एंड सब जो एक इंडियरिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो सब ही कहने की इतनी सिंपल है और इतनी हार्ट वार्मिंग है, एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द फील ऑफ द फिल्म, की इट्स द ब्यूटी इज इन द सिंप्लिसिटी, एंड आई थिंक दैट्स अ इन अ वे दैट्स अ फिल्म एंड दैट्स ऑल्सो द कैरेक्टर, दैट आपके बाल, आपका स्किन कलर, आपकी हाइट आपको डिफाइन नहीं करता, आप कौन हो आप अपने आप को डिफाइन करते हो। So I just hope that people more and more they get to know that or वो accept करें कि ये और ये is more important than ये या फिर बाल। क्या मतलब I wanted to take a positive note, क्या film social message carry करती है, or instead of preaching it, does it passing a message in a very silent way? In fact preaching तो बिल्कुल भी नहीं है, and हम ये भी नहीं बता रहे हैं कि alopecia मतलब क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो it's about this girl and द जर्नी कि वो फैमिली की क्या जर्नी होती है, क्योंकि अगर कुछ भी किसी एक इंसान के साथ होता है तो वो फिज़िकली शायद उस एक इंसान के साथ हो, लेकिन इट्स द जो आसपास के आपके जो लोग होते हैं, जो आपके बारे में जो आपसे प्यार करते हैं, जो केयर करते हैं, दे ऑल्सो गेट इफ नॉट इक्वली बट उनको बहुत अफेक्ट करता है। तो वही जैसे पेरेंट्स जो हैं इनाक्षी के, तो उनका हमेशा वो कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हैं, उनके ड्रीम इज़ टू ट्रैवल, एंड जो इनाक्षी की ड्रीम है दैट इज़ टू बिकम अ डांसर, लेकिन हाउ हम लाइफ में अपनी ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं फॉर द पीपल वी लव। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप लोगों को खुश रख सकते हैं,
वो बहुत ज़रूरी है. तो सोशल मैसेज आई रियली डोंट थिंक, इवन जब मैंने पढ़ा था, इनफैक्ट जब जीतू कहता है कि जब उसको पता चला था ये कहानी एंड एलोपेशिया है, तो उसको लगा कि अरे बहुत कुछ सीरियस एंड डीप फिल्म होगी. एंड जब उसने पढ़ा उसको बहुत हंसी आई, और उसने कासिम को बोला कि कासिम मुझे तो हंसी आ रही है, तो ये इंटेंशनल है ना. कासिम लाइक या बिकॉज वो चाहता था कि लाइट हार्टेड फैमिली इमोशनल जर्नी ड्रामा हो. मेरी क्या ड्रीम है, मेरा मेरा ड्रीम इज द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स आई वांट टू प्ले, जो कि मुझे माफिया क्वीन प्ले करना है, मुझे एक रॉक स्टार प्ले करना है, मुझे एक पॉप आइकन प्ले करना है, मुझे एक फोटोग्राफर प्ले करना है, और मुझे क्या प्ले करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें प्ले, डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, रीजनल डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, मुझे बंगाली में फिल्म करनी है, मतलब माई लिस्ट इज माई ड्रीम इज. बट अगर सबसे छोटा वो हो सके कुछ इन वन लाइन, देन आई थिंक इफ आई हैड अ सुपर पावर ऑफ अ ड्रीम इट वुड बी टू मेक पीपल स्माइल एंड जस्ट टू मेक देम हैप्पी. एंड थ्रू माई फिल्म्स मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसे इमोशंस फील करें जो शायद हम अपनी डे टू डे लाइफ में भूल चुके हों. मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तक आपने जो भी मेरा काम देखा है एंड वो अप्रिशिएट किया है, चाहे वो मसान हो, मिर्ज़ापुर हो, या फिर वो मेड इन हेवन का एक एपिसोड हो, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो मुझे आपसे मिला है कि आपको पसंद आती हैं जो मेरी चॉइसेस हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट चॉइसेस गोनकेश, और ये 29 मार्च को सिनेमाज में आ रही है. तो प्लीज़ ट्रस्ट मी एंड माई चॉइसेज एंड कम वॉच द फिल्म, एंड आई गारंटी यू आपको ये फिल्म में बहुत 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 मज़ा आएगा. थैंक यू, थैंक यू. अब्बारों के साथ. थैंक यू मैम. थैंक यू.